कानपुर देहात में उस समय हड़कंप मच गया जब एक परिवार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए माती जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। बता दें कि ये परिवार अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाला है। दरअसल शिवपाल शंखवार 28 जून 2020 को हुई बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर नाराज है। घटना के समय ही पीड़ित परिवार गांव के ही गुलाब सिंह यादव पर हत्या का आरोप लगा रहा है, लेकिन पुलिस ने मामला तो दर्ज किया जबकि कार्रवाई के नाम पर मात्र खानापूर्ति की है। भाई की हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या की थी? क्या गुलाब सिंह यादव पुरानी रंजिश चल रही थी, गांव से लुवा लाए थे, कह रहे थे चलो समझौते कर लो, चले उसको नाश्ते में पानी वानी पिलाया, उसे जहर खिला दिया गया था। और इसके बाद में जब उसको आँखी में छोड़ गया अकबरपुर गए पुल्ले गए, तब उसको फोन में फ़ोन करके बताया कि ऐसे ही हमारे साथ इन्होंने कर दिया है। और इसके अकबरपुर पेट्रोल पंप के पास, और इसके बाद में वो मर गया था, हम अस्पताल ले आए। इसके बाद पुलिस सूचना दी गई तो पोस्टमार्टम करवाया गया, तो इसके बाद उसमें जहर निकला। और सीओ साहब कह रहे हैं दारू पी, दारू में बिसरा में रिपोर्ट जहर निकला है, फिर भी वो तीन बार सीओ साहब उठाक बंद करे, फिर भी छोड़ दे रहे हैं पैसे ले दे के। तो आप लोग धरने पे क्यों बैठते हैं यहाँ अनशन पर? अनशन पे इसलिए बैठे, हमारे इसमें समझौता जो कर रहे हैं जान से न्याय मिलना चाहिए हमको।